यस मैम। क्लियर है आवाज सबको? यस मैम। हाँ तो आज क्या पढ़ोगे तुम लोग? हम संस्कृत। संस्कृत ठीक है, उसमें तो कोर्स यूनिट टू का आपका हो गया है, यूनिट टू का ही आप लोगों का क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा ठीक है। तो आज हम सोच रहे थे हिंदी व्याकरण पढ़ाने को। आईफोन जो है वो कनेक्ट कीजिए अपना ऑडियो, देखिए मोबाइल है वहां पे आपको कनेक्ट करना है। आईफोन पहले अपना नाम बताइए और अपने कनेक्ट कीजिए वॉइस। हर्ष हर्ष माइक ऑन करो। कृति, कृति रॉय आपकी क्लास बेटा आप नहीं है ठीक है, आपकी क्लास 8 से 9 होती है, लीव हो जाइए ठीक है बेटा। आपकी क्लास 8 से 9 चलती है, इस टाइम ये क्लास 6 चल रही है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक बेटा, हाँ हर्ष हिंदी व्याकरण की बुक निकालो, उसी को पढ़ाएंगे आज। यस मैम। मैम आवाज़। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आ रही है? यस मैम। ठीक चलो, आप ये बातें कि आपकी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं लीव हो जाइए, 8 से 9 में आप लोग आया कीजिए ठीक है। 8 से 9 में मीटिंग आईडी पासवर्ड आप लोगों को जाती है, उसमें ज्वाइन हुआ कीजिए। क्लियर है सबको? आईफोन, आईफोन क्या है आपका नाम? मैम वॉइस सही नहीं है आपकी, क्लियर नहीं है। आईफोन चेंज करके आप अपना वहां पे नाम डालेंगे ठीक है।
एडिट करना तो आपको आता है, वहां पे आप एडिट करोगे और आप अपना क्या करोगे, वहां पर नाम डालोगे जो आपका है। क्यों? क्योंकि आपको अटेंडेंस लगाने में हम लोग को इजी रहेगा, नहीं तो आप एब्सेंट उस टाइम हो जाओगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहिएगा कि हम प्रेजेंट थे और एब्सेंट थे। तो नाम जो है आप लोग नाम डाल लीजिएगा सभी लोग। चलिए आज क्या पढ़ाना हम लोग को, कहाँ तक हो गया था हिंदी लैंग्वेज में? हम 12 चैप्टर पर आना। 12 चैप्टर, चलिए ठीक है। हाँ, क्या है इसमें हम लोग अब पढ़ा लिए थे। चलो आपका जो यूनिट 2 का है उसी को पहले हम लोग रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11 चैप्टर आपका क्या था, चैप्टर 11। ठीक, ये हमारा क्या था, इसमें क्या बताया गया, अव्यय। यही था ना आपका, ये चैप्टर हो चुका था। क्या पढ़े थे इसमें बताओ, क्या क्या बताया गया था? क्या बताओ, अब भेद होते हैं और उन लोग भेद के भी भेद होते हैं, हम जैसे काल बात क्रिया परिमाण बात क्रिया विशेषण। देखो इसमें क्या बताते हैं कि जिनमें हम क्या करते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं हम इनका परिवर्तन नहीं कर नहीं सकते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय। ठीक है, अव्यय में हम लोग ने क्या पढ़ा था, दो चीज इसमें पढ़े थे हम लोग। पहला पढ़ा था हम लोग ने विकारी शब्द, ठीक, और सेकंड क्या था हमारा, अविकारी। ठीक, ये दो हम लोग ने पढ़ा था। इसमें क्या बताया गया था विकारी में, कि जिन चीजों में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हम परिवर्तन होता है, और अविकारी क्या होते हैं, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कैसे परिवर्तन किन आधारों पर होता है? पहला हम उसमें क्या देखते हैं, संज्ञा। ठीक, परिवर्तन संज्ञा के आधार पर हम लोग करते हैं, लिंग के आधार पर करते हैं, वचन के आधार पर कर सकते हैं, और काल। हम पहले जो सेंटेंस हम लोग को दिया जाता है उसमें देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, अगर परिवर्तन हो रहा तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा विकारी शब्द है। ठीक, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो हमारा अविकारी शब्द है। ठीक, नीचे बताया था ना, तो विकारी में हमारा क्या था, संज्ञा लिंग वचन काल। ठीक है, और पुरुष के आधार पर कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम है कि उत्तम है। ठीक, और इसमें क्या था हमारा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन आधारों पर हमारा क्या होता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही चीज हम लोग ने पढ़ा था ना। ठीक, चलिए तो ये चीज क्लियर है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, लड़का पढ़ रहा है। ठीक, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए, बोलो, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा। ये ना पहले क्या देखते हैं कि किन आधारों पर हो सकता है परिवर्तन? ma'am, लिंग। क्या होगा? लिंग के आधार पे क्या हमारा हो जाएगा कि लड़की लड़की पढ़ रही है। वेरी गुड। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा कि हाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं
इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा विकारी शब्द है, ठीक है। ये हमारा विकारी शब्द है क्यों, क्योंकि हमने परिवर्तन किया कि लड़का से हमने परिवर्तन लड़की में किया, और किन आधार पर किया, लिंग के आधार पे, ठीक। अब क्या है हमारा, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, बताइए परिवर्तन होगा? नो मैम, नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है, और हमारा क्रिया विशेषण किसमें आता है, अविकारी शब्द में। इसका मतलब हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, कैसा वाक्य हो जाएगा, कैसा शब्द है ये हमारा, अविकारी। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अविकारी शब्द, ठीक। अनन्या, यस मैम, क्लास सेकंड की हो बेटा आप? नो मैम, मतलब किस क्लास की हो अनन्या? मैम क्लास सिक्स। क्लास सिक्स? यस मैम। क्लास सिक्स अनन्या, इसके पहले आपने क्लास की है? नो मैम। पूरा नाम डाल लीजिए, अनन्या चौधरी है ना? नो मैम, पाल। ठीक है, तो आप पूरा नाम डाल लीजिएगा। यस मैम। चलिए, तो ये हम लोग का चैप्टर कौन सा था, अव्यय वाला। अब क्या हम लोग करते हैं, इसकी एक्सरसाइज हो गई थी पूरी? यस मैम, हो गई थी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर तो हो गया चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। हम लोग ने क्या, इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। यस मैम, निकाल लिए। पहला आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला एक्सरसाइज क्या है आपकी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अव्यय की परिभाषा लिखिए, क्या होगा इसका आंसर बताओ। मैम आपकी परिभाषा मैम 36 पेज नंबर में दी गई है, दी गई है ना, बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में आपको दिया गया है, उसको आप लिख लोगे। क्या इसकी परिभाषा, कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें हम किसके कारण परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग, लिंग कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, अव्यय के भेद बताइए। अव्यय के भेद मैम 86 पेज नंबर ग्रीन बॉक्स के नीचे दिया गया है। ठीक ठीक, सही। उसके बाद थर्ड है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, ये कितने भेद होते हैं? 87 पे नंबर में दिया नीचे, पेज नंबर 87 पे क्या दिया गया है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण योजक और व्यधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक में आपके चार भेद होते हैं उसके अंतर्गत। पहला आपका क्या होता है, संयोजक। सेकंड होता है विकल्प बोधक। थर्ड है विभाजक। फोर्थ है परिमाण बोधक। अव्यधिकरण योजक में भेद नहीं होते, वो सिंगल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ताकि, क्योंकि, की, जिसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे शब्दों का बोध होता है। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय के भेद लिखिए। संबंध बोधक अव्यय के भेद क्या है, आपके इसके अंतर्गत कई भेद होते हैं, ठीक है, 10 भेद होते हैं इसके अंतर्गत। कितने होते हैं, 10 पेज नंबर में दिया गया है 10 भेद। ठीक, पहला आपका क्या होता है इसमें, कालवाचक। ठीक, सेकंड आपका क्या है, स्थानवाचक। दिख रहा है सबको?
दिशावाचक, फोर्थ है समतावाचक, फिफ्थ है आपका साधनवाचक। चली जाइए, चली जाइए। सिक्स है आपका विषय वाचक, ठीक। और सेवन आपका है विरुद्ध वाचक, एट है संगवाचक, नाइन है हेतुवाचक और टेन है आपका तुलनावाचक, ठीक। ये क्या है आपके भेद बताए गए हैं, किसके संबंध के, किसके भेद होते हैं, संबंध बोधक के। इसमें क्या बताया गया है कि इसके 10 भेद होते हैं। कालवाचक, कालवाचक में आप क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द होगा जिसमें समय की बात की जाएगी, ठीक। कैसे समय की बात की जाएगी, जैसे पीछे, पहले, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब उपरांत, आगे, ये सब आपके समय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर है आपका स्थानवाचक, स्थान मतलब आप समझते ही हो, स्थान का क्या मतलब है, जगह मतलब, जैसे सामने, क्या आपके सामने कोई चीज रखी हो या आपके सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्थान की बात की गई। अंदर, अंदर मतलब किसी चीज के अंदर, जैसे अलमारी के अंदर, एक जगह की बात की। स्थान मतलब क्या होता है, जगह से संबंध होता है। यहाँ, वहां, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो स्थानवाचक में आपके ऐसे ही शब्द आएंगे जिसमें आपको क्या बताया जाता है, आपके जगह की बात की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका थर्ड दिशावाचक, इसमें जैसे इस ओर, उस ओर, आसपास, समान, मतलब क्या इसमें क्या कहता है, तरफ, ठीक है। दिशावाचक में आपको एक दिशा के रूप में निर्देश दिया जाता है कि एक क्या बताया जाता है, एक दिशा बताई जाती, मार्ग बताया जाता है, ठीक है। जैसे इस ओर, तो ये हमारा क्या है, ये मार्ग के बारे में बताया जा रहा है, उस ओर, ठीक है। और आस पास, तरफ, ये सब क्या है, ये सब हमारे दिशावाचक है, ठीक, क्लियर है। आपका समतावाचक, आपका क्या हो गया, स्थानवाचक, स्थानवाचक थर्ड। अब फोर्थ आपका क्या है, समतावाचक, ठीक। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें सम्मान के बारे में बात किया जाता है। मत बात करो, सुनो, माइक ऑफ करो, बात करना तो माइक ऑफ करो बेटा। समतावाचक में आपको क्या बताया जाता है, जैसे योग्य, तुल्य, ठीक है, भांति, अपेक्षा, समान, मतलब कि दो चीजों के समता, मतलब दो चीजों के बारे में समान रूप से बात कही जा रही होगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फिर साधनवाचक, साधनवाचक में क्या होता है हमारा, जैसे द्वारा, ठीक है, जिसके मतलब जिस साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे द्वारा, सहारे, हार, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे साधनवाचक है, ठीक है। माध्यम, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विषयवाचक, जिसमें विषय, भरोसे, सहारे, नाम। सुमित माइक ऑफ करो बेटा, बहुत आवाज आ रही है। नेक्स्ट है आपका फिर विरोधवाचक, विरोध का ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज के खिलाफ, ठीक है, या उसके खिलाफ हो या विपरीत। इसमें क्या बताया जाता है, विपरीत, खिलाफ, उल्टे, ये सब ऐसा जहां पे शब्द आए, इसका मतलब वो विरोधवाचक वाक्य है,
नेक्स्ट है आपका ये संघवाचक, संघ मतलब साथ, ठीक है, हमारे साथ आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारा क्या एक संघ है ना, एक सहारा है कि नहीं, साथ जोड़ा है कि नहीं हमारा, सहचर, ये सब क्या है हमारे संघवाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट है आपका हेतुवाचक, हेतुवाचक में मतलब क्या है, के लिए, कारण, वास्ते, ठीक है, हेतु है ये सब। और तुलना, तुलना मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो, जिसमें दो चीजों के बीच तुलना की जाती है, तुलनावाचक वाक्य होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, तुलना करते हो, चाहे वो दो के बीच हो चाहे दो से अधिक के बीच हो। तो जैसे इसमें तुलना के कैसे शब्द आ जाएंगे, इसमें अपेक्षा, सामने, आगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय के हेतु। नेक्स्ट है आपका इसी तरह विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ये भी आंसर बताए थे, ठीक है। इसमें क्या है कि जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते, इसके आगे क्या होता है, इसमें विस्मयादि बोधक का कि जिसमें क्या होता है, हमारा शोक होता है, हर्ष होती है, ठीक है, घृणा आती है, उल्लास होता है, ये सब हमारे कैसे हैं शब्द, ये सब हमारे विष्णु, और ये क्या करते हैं, हमारे भाव प्रकट करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विष्णुयादि बोधक अव्यय, ठीक। इसके कितने भेद होते हैं, नौ भेद होते हैं। पहला है आपका हर्ष बोधक, सेकंड है शोक बोधक, थर्ड है क्रोध बोधक, फोर्थ है आश्चर्य बोधक, फिफ्थ है आपका घृणा बोधक, सिक्स अनुमति बोधक, सेवन है भय बोधक, और एट है संबोधन बोधक, ठीक है, और लास्ट में आपका नाइन क्या है, आशीर्वाद बोधक, ठीक। ये वाला टिक कर लिए थे आप लोग आंसर? यस मैम। ठीक, अब ये आपका क्या है नेक्स्ट, आपका सेकंड क्या था, रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको दो शब्द दिया गया है, आपको उसमें से क्या करना, जो शब्द सही बैठ रहा है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, आपको उसको सटीक शब्द को क्या करना है, लिखना है कि क्या सही शब्द हमारा वहां पर रहेगा। जैसे पहला दिया है कि मैं डैश तुम एक साथ घर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया। अब इसमें आपको दो शब्द दिया गया है, और रहेगा या अथवा, ठीक है, देखो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, और में क्या होता है आपको कि दो लोगों के बीच, मतलब हम और तुम, अथवा मतलब क्या होता है, हम दोनों में से एक, अथवा या का क्या मतलब होता है, एक करना, ठीक। तो क्या रहेगा यहाँ पे, और रहेगा कि अथवा, और ठीक। नेक्स्ट है आपका कोयल मीठे डैश गाती है, गीत की संगीत, संगीत गाती है कि गीत गाती है, गीत, गीत गाती, वेरी गुड। डैश है आपका डैश टीवी पर समाचार देखा, अभी अभी कि कहीं कहीं, अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, टीवी पर समाचार देखा। फिर है आपका नेक्स्ट किताब डैश पढ़ना चाहिए, बेकारी की ध्यान पूर्वक हमें किताबों को क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, तभी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है कि हम कैसे पढ़ें। नेक्स्ट है आपका मेरा घर स्टेशन के डैश है, आसपास के इधर, आसपास है, वेरी गुड। तो इसमें क्या बताया गया जा रहा है कि मेरा घर क्या है, स्टेशन के आसपास है। अब थर्ड में आपको क्या करना है, संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण के सामने अव्यय लिखिए, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक, और ऊपर से लिखते हैं, दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है,
अवयव दिया गया है। आपको उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है, पहला पहले, आपको बताना है कि अव्यय का कौन सा भाग होगा, कौन सा भेद होगा। ठीक, सेकंड इसी तरह दिया है निकट, थर्ड क्या है आपका और, फिर क्या है द्वारा, और फिर क्या है सहचर। अब आपको क्या करना है, अव्यय क्या बताना है कि पहले का अव्यय क्या है, कौन सा होगा बता सकते हो? कालवाच्य। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा हमारा कालवाच्य। ठीक, फिर उसके बाद है आपको निकट। निकट क्या होता है हमारा, निकट क्या बताया जा रहा है, जगह के बारे में बात की जा रही ना कि ये एक जगह होता है निकट, तो वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्थानवाचक। बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा स्थानवाचक। और क्या होगा, और का क्या मतलब होता है, एक मार्ग के बारे में, दिशा के बारे में बताया जा रहा है ना, इस ओर या उस ओर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दिशावाचक, दिशावाचक। फिर द्वारा, द्वारा क्या होगा हमारा साधारणवाचक, साधारणवाचक, साधारणवाचक। द्वारा आपका हो जाएगा बेटा साधन, साधन के द्वारा हम इन शब्दों का साधनवाचक प्रयोग करते हैं। ठीक, और लास्ट आपका क्या है सहचर। सहचर मतलब क्या होता है, साथ होता है कि नहीं, सहचर कभी क्या मतलब है? मैम इसका होगा घृणावाचक। यहाँ पे क्या हो जाएगा घृणावाचक। समित क्लास तो बेटा अभी पढ़े भी नहीं थे, छुट्टी में क्या किए हो, पढ़ाई किए थे, जितना आपको होमवर्क दिया गया था पढ़े थे आप समित? मैम यस मैम। कुछ पढ़ाई नहीं किया बेटा, अगर आपको पता होता तो घृणावाचक ना होता। घृणावाचक किसे होता है, ये आपका विस्मयादि बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या विस्मयादि बोधक जैसे शब्द लिखा गया है, क्या यहाँ पे विस्मयादि बोधक का कोई शब्द भी यहाँ पे लिखा गया है, बताओ सुमित। नो मैम। तब फिर घृणावाचक कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध के बारे में बताया जा रहा था, ये आपके कैसे शब्द हैं, ये आपके संबंध बोधक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ सहचर तक हो गया, तीन और बाकी हैं आपके। तीन क्या है आपके बाकी है, फिर है आपका कारण। ठीक, कारण, फिर है आसपास, और फिर लास्ट आपका क्या है, आसपास के बाद क्या है सामने। ठीक, तो कारण हमारा क्या है, क्या ऐसा हो जाएगा, कारण हमारा क्या होगा हेतुवाचक। कारण, वेरी गुड, ये हमारा कैसा हो जाएगा हेतुवाचक। ठीक, नेक्स्ट है आपका आसपास, आसपास हमारा क्या रहेगा दिशावाचक। दिशावाचक क्यों, वहां पे दिशा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, दिशा मतलब क्या है, आसपास मतलब एक जगह के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है, दिशा बताई जा रही है कि आसपास आपके क्या है। जैसे आपको एग्जांपल में क्या दिया जाए कि आपके आसपास एक छोटी सी दुकान है, तो क्या बताई जा रही, एक मार्ग बताया जा रहा ना, एक दिशा बताई जा रही है आपको ना, किस रास्ते से क्या हमारा है दिशावाचक है, इससे संबंधित। और लास्ट आपका क्या है सामने, सामने क्या है हमारा
बताओ तुलना वाच्य। वेरी गुड, सामने हमारा क्या हो जाएगा? तुलना वाचक। ये क्या बताया जाता है इसमें? दो चीजों के बीच क्या करी जा रही है? तुलना की जा रही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हो गया। तो यहाँ पर ये है, और लास्ट में आपका क्या है, फोर्थ में आपको क्या करना है, विस्मयादि बोधक जैसे शब्द लिखा गया है आपको उसका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे ओ, तो इसको क्या आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। ठीक, क्लियर है सबको? yes, तो काम किया, अपने होमवर्क किया है, हॉलीडे होमवर्क। बताइए सुमित। yes, ma'am. काम हुआ है बेटा आप लोगों का? yes, ma'am. ma'am, बस थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा बाकी है ना, आप लोग जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आपका ये जो भी पेपर इसी मंथ में होगा, ठीक है, जनवरी में आपका यूनिट टू पेपर होगा, तैयारी अच्छी करिए आप लोग। ठीक है, आप स्कूल नहीं आ रहे तो घर बैठकर ही आप क्लासेस चल रही हैं आपकी, आपको जो पढ़ाया जा रहा आप उसको पढ़िए। फिर बाकी टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी, याद करना है, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और जो बाकी काम दिया गया था उसको पूरा करना। ठीक है, कंप्लीट कीजिए पूरा काम, उसके बाद आपका पेपर होगा यूनिट टू का, पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक, जो बच्चे नहीं अच्छा नंबर ला पाए हैं हाँ पहली और यूनिट वन में, उनको यूनिट टू और फाइनल में कवर करना है। क्लियर है? ठीक, चलिए। yes, तो अब क्या है, समझ में आ रहा है श्रेष्ठ? yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रेष्ठ, कैथवास, अनन्या, आप लोगों को भी आवाज आ रही है ना? yes, ma'am. ठीक, तो अब क्या करना है आपको, कैथवास आपको भी पढ़ाई करना है, अनन्या आपको भी, इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है, अव्यय के बाद हमारा कौन सा चैप्टर है? बताइए नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? शब्द विचार। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। ठीक है, आपको इसको हम बता देंगे, इसके पहले तक का मतलब क्या है, 11 तक का चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। इलेवेंथ तक आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसे कॉपी में उसको याद कीजिए, उसको देखिए कहाँ पर इसके पहले की जितनी भी चीजें हैं उसको पढ़िए, देखिए कहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पूछ लीजिएगा, और आप लोग इसी टाइम पर अब कल से फिर क्या होगी, ज्वाइन होगी। ठीक है, इसी टाइम पर। ठीक है, इसके बाद अब आपकी कौन सी क्लास चलेगी? कंप्यूटर। चलिए ठीक है, आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे क्लास होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पासवर्ड सब गया है? नोटिस यस मैम। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए। यस मैम। नेक्स्ट कल भी हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक, हिंदी लैंग्वेज। यस मैम। Yes, ma'am. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.